आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश के अन्य शहरों की तरह ही भोपाल में आज सुबह 11:15 बजे से टीकाकरण प्रोग्राम की शुरुआत हुई। शहर के 12 सेंटरों पर 12 लोगों को एक साथ कोरोना का टीका लगाया गया। दिन भर शहर के 12 टीकाकरण सेंटरों पर 1200 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद सोमवार को टीकाकरण किया जाएगा। पहले सप्ताह में 16, 18, 20 और 22 जनवरी को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। हमीदिया चिकित्सालय पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि जिस घड़ी का इंतजार था अब वह समय आ गया है। यह सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन हमारे लिए संजीवनी बूटी साबित होगी। आज वो घड़ी आ गई, पूरा देश आज गर्व से भरा हुआ है। और मेड इन इंडिया वैक्सीन हमारी संजीवन बूटी के रूप में सामने आई है। कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, आज से लगना प्रारंभ हुई है। मैं आज पूरे गर्व के साथ कह रहा हूं, और एक नागरिक के नाते भी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। ये उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका कि स्वदेशी वैक्सीन आज भारतवासियों को लगाने का अभियान प्रारंभ हुआ है। हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने दिन और रात काम किया, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और आज जब कोविड को समाप्त करने के लिए ये संजीवन बूटी हमारे पास आई है, मैं कोरोना वायरस को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेषकर उनको जिन्होंने तब इलाज किया जब कोरोना के पेशेंट का नाम सुनते ही लोग भागते थे। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे की जान बचाते बचाते अपने आप को बलिदान कर गए। देश का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान आज मध्य प्रदेश में भी प्रारंभ हुआ है। हमारी पूरी टीम, दोनों मंत्री, सरकार प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की है। आज ये टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ है और जैसी प्राथमिकता तय की गई है, पहले चरण में ये कोरोना वायरस को ही लगाया जा रहा है। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्स, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल हो, उनको ये वैक्सीन लगाकर अभियान का प्रारंभ हुआ है। और दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा, और बाद में तीसरे चरण में, जिसकी बाद में घोषणा की जाएगी, 50 साल से ज्यादा की उम्र या एक से ज्यादा बीमारी जिनको है उनको लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 150 स्थानों पर ये टीके लगाना प्रारंभ किए गए। सारी सावधानियां जो आवश्यक है वो हमने रखी है। टीका लगाने के बाद आधा घंटे निरीक्षण ऑब्जर्वेशन में जिस साथी को टीका लगा है उसको रखा जाएगा। अगर कोई परेशानी होती है, क्योंकि एलर्जी जैसी छोटी मोटी समस्याएं, तो उससे निपटने के लिए सारी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज मैं फिर अपील करना चाहता हूं प्रदेशवासियों को, कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है,
ये एंटीबॉडी पैदा करने में समर्थ है, लेकिन पहला डोज लगने के बाद 28 दिन बाद इसका दूसरा डोज लगेगा, डोज के 14 दिन बाद एंटीबॉडी विकसित होगी। और इसलिए मेरी भी यही अपील है कि वैक्सीन लग गई तो हम पहलवान हो गए, अब किसी की जरूरत नहीं है मास्क की, ये कोई ना समझे, सारे प्रोटोकॉल का पालन करें, दूसरे डोज का ध्यान रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना जैसी महामारी को समाप्त करने का ये अभियान, वैसे भी हमने भारत में बहुत सफलता के साथ, मध्य प्रदेश में 20 मार्च को पहला पॉजिटिव केस हमारे यहाँ जबलपुर में आया था, 23 मार्च से हमने लड़ाई प्रारंभ की, और मुझे गर्व है कि प्रदेशवासियों की सहायता से, सहयोग से हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सरकारी और निजी अस्पताल, समाज ने, प्रशासन ने, सबसे मिलके, सबने मिलके इस लड़ाई को ऐसा लड़ा कि हमने कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया। यहाँ तक कि मरीजों के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल भी हमने टाई अप किए और निःशुल्क ये इलाज उपलब्ध करवाया। जब मैं मुख्यमंत्री बना था मुझे याद है एक टेस्टिंग लैब मुश्किल से थी, लेकिन अब हम 30,000 टेस्ट रोज कर सकते हैं, चाहे टेस्टिंग लैब हो, मास्क हो, पीपी किट हो, दवाइयां हो, सारी सुविधाएं हमने जुटाई। और आज मुझे कहते हुए संतोष है कि कोरोना से लड़ाई में हम जीत रहे हैं, पॉजिटिव केसेस वैसे भी काफ़ी कम हो गए हैं, आज तो लगभग 400 के आसपास ही, 400 से कम रह गए हैं, लेकिन टीकाकरण वैक्सीन इस महामारी को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। एक बार मैं फिर कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कोरोनिया वॉरियर्स के प्रति, उन परिवारों के प्रति भी जिन्होंने अपने मुखिया को खो दिया इस लड़ाई में लड़ते लड़ते, और उन सभी साथियों को, प्रशासन के, जनता के, समाज से भी, स्वयं से भी संस्थाएं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के लोग जिन्होंने इस लड़ाई में भरपूर सहयोग दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से टीकाकरण के अभियान को हम बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न करेंगे, इस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।